मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर भिलाई 3 स्थित विद्युत केंद्रीय कार्यशाला दोबारा अपने पुराने स्वरूप में शुरू होने जा रहा है। इस कारखाने में एक समय 800 नियमित कर्मचारी काम किया करते थे, आज मात्र 40 कर्मचारी कार्यरत हैं। 98 एकड़ में फैला ये विद्युत कारखाना स्कूल कॉलेज सब से गुलजार था, पर समय के साथ सब बंद हो गया था। मुख्यमंत्री के ओएसडी मनीष बंचोर, दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा, चौदह निगम के आयुक्त अजय त्रिपाठी ने विद्युत केंद्रीय कार्यशाला का दौरा कर पुनः शुरू करने पर मोहर लगा दिया है। अब इस कंपनी में 800 स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। भिलाई 3 स्थित बिजली विभाग की केंद्रीय कर्मशाला के फिर दिन फिरने वाले हैं। ये कारखाना पूर्व की भांति पूरे प्रोडक्शन के साथ 3 महीने के भीतर कार्य करना शुरू कर देगा। इससे सैकड़ों युवा बेरोजगारों को रोजगार निश्चित तौर पर मिलेगा। कलेक्टर ने इस कारखाने का विशेष तौर पर निरीक्षण कर जानकारियां ली। रिवाइवल के लिए प्रोजेक्ट बनाने के निर्देश कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने दिए। दुर्ग कलेक्टर के साथ मुख्यमंत्री के ओएसडी मनीष बंचोर भी मौके पर मौजूद रहे। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने अधिकारियों से वर्तमान स्थिति की जानकारियां ली। अधिकारियों ने बताया कि 2007 तक इस यूनिट से ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों की सामग्री तैयार होती थी, तब इसकी क्षमता 20,000 टन थी। 2007 के बाद डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित सामग्री बननी बंद हो गई। अब उत्पादन 700 से 800 टन रह गया है। पहले इस कारखाने में बिजली विभाग के लगभग 1,000 नियमित कर्मचारी थे, इसके अलावा ठेका मजदूर अलग थे, पर वर्तमान स्थिति में ठेका मजदूरों से ही काम लिया जा रहा है। सरकारी कर्मचारी कुछ लोग ही गिनती के बचे हुए हैं। इस कारखाने के फिर से शुरू हो जाने से लगभग 300-400 बेरोजगार युवकों को काम मिल सकेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रोजगार मिशन के अंतर्गत बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के निर्देश दिए हैं, जिसके अंतर्गत सभी सेक्टर में रोजगार की संभावनाओं पर काम हो रहा है। कलेक्टर ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट से जुड़ी सामग्री की डिमांड मार्केट में कितनी है और आपूर्ति कितनी हो रही है, इसका आकलन कर प्रस्ताव तैयार कर लें। इसके लिए सरकारी तंत्र में खरीदी की जरूरत, रेलवे में खरीदी की जरूरत के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में खरीदी की जरूरत का आकलन करने के लिए विद्युत मंडल के अधिकारी श्री सिंह एवं श्रीमती दुबे को निर्देशित किया। भिलाई की पहचान, दुर्ग की पहचान भिलाई स्टील प्लांट के साथ साथ में मध्य प्रदेश शासन के टाइम पे सेंट्रल वर्कशॉप भी हुआ करती थी, जो हमारी ये केंद्रीयकृत कर्मशाला थी। यहाँ पर बिजली विभाग की जितनी भी सप्लाईज होती थी, चाहे बड़े बड़े सबस्टेशंस के टावर की बात हो या फिर बहुत सारे उनकी जो प्लेट्स लगती हैं, ड्रिल्स लगती है, सेक्शंस लगते हैं, ये सबका उत्पादन पूरे मध्य प्रदेश के लिए यहाँ से हुआ करता था और 20 से 25,000 टन की सप्लाई यहाँ से होती थी और लगभग 800 लोगों का रोज़गार यहाँ पे मिला करता था। एक पूरी बहुत अच्छी कॉलोनी थी, स्कूल थी, और अब यदि और अगर अभी अब देखेंगे तो 20,000 टन की तुलना में केवल 1,000 टन का उत्पादन अभी यहाँ पे हो रहा है। 800 लोगों के स्थान पे केवल 40 लोग अभी काम कर रहे हैं, तो लगभग जो जितना अपेक्षाकृत जो उत्पादन होना चाहिए, जो रोज़गार मिलना चाहिए, उतना नहीं हो पा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले ही मुझे निर्देश दिए हैं कि इसको बिल्कुल पुराने समय की तरह एक्टिवेट करना है, क्योंकि राज्य शासन की प्राथमिकता है कि स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोज़गार मिले। तो जब पूरी एक सेटअप यहाँ पे कर रखा है, पूरी फैक्ट्री बना रखी है, वर्कशॉप्स बनी हुई हैं, तो हम स्थानीय लोगों को रोज़गार दिलाने के लिए हमें और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें इसी को और अच्छी तरह से एक्टिवेट करने की आवश्यकता है। और साथ में अच्छी बात यह है कि इतना डिमांड मार्केट में पहले से ही है। हमारी छत्तीसगढ़ शासन की जो दो कंपनियां हैं, पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, दोनों में ही काफ़ी डिमांड है अभी, जो प्राइवेट या फिर कहीं और से सप्लाई हो रही है। तो हम इनको जो डिमांड सप्लाई का जो भी मिसमैच हो रखा है, उसको अभी हम अगले, हमने जो टारगेट रखा हुआ है कि अगले 3 महीने में हम बहुत अच्छे ऑर्डर्स या वर्कशॉप्स हम डिलीवर करना स्टार्ट कर देंगे। सर, कितना फ़ायदेमंद होगा इस ज़िले के लिए? ज़िले में 2-3 महत्वपूर्ण तरीक़ों से फ़ायदेमंद होगा। पहली चीज़ ये होगी कि जो स्थानीय जो हमारे बच्चे हैं, स्थानीय जो युवा हैं, आईटीआई पास आउट से हैं, पॉलिटेक्निक पास आउट है, जिनको मशीन पे काम करना आता है, तो अभी रोज़गार के लिए अब उनको दूसरे स्टेट में भेजना पड़ रहा है, क्योंकि उनके प्लेसमेंट के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, उनको यहीं पर रोज़गार मिल पाएगा। ये एक बहुत बड़ी एक चीज़ रहेगी। और दूसरा, जब ये प्रोडक्शन जब स्टार्ट होगा और अच्छे जब ऑर्डर्स आएंगे, तो साथ साथ में पूरा जो एरिया है उसका डेवलपमेंट भी
इसमें दिखेगा, क्योंकि पहले 1000 क्वार्टर्स होते थे, अभी सभी लगभग कंडेम्ड की स्थिति में चले गए हैं। जो स्टाफ थे, पूरा एरिया, जब इतने सारे लोग आके जब रहेंगे तो ओवरऑल जो मार्केट है उसमें भी असर पड़ेगा। लोकल जो डिमांड है उसमें, पर लोकल जो परचेजिंग पावर है उसमें क्षमता भी बढ़ती है, तो ओवरऑल क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है अगर एक इंडस्ट्री अच्छी सेटअप हो जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रोजगार मिशन के अंतर्गत बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के निर्देश दिए हैं, जिसके अंतर्गत सभी सेक्टरों में रोजगार की संभावनाओं पर काम भी हो रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।